जय हिंद बच्चों, आज हम बताने जा रहे हैं फिर से सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस के जो आपको पिछले यूनिट में छूट गए थे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आया है, कितने समय में रुपया 2200 का सरल ब्याज 8.5% की दर से 561 हो जाएगा। मतलब क्या पूछ रहा है हमसे? टी पूछ रहा है। गायब क्या किया है इन्होंने? टी पूछ रहा है। प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल कितना दिया है? 2200 दिया है। और क्या दिया है? रेट दिया है। रेट क्या दिया है? 8 1/2। इसको पहले उसमें बदलेंगे, 16/1 17/2 फ्रैक्शन में बदलेंगे। और इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट दिया है 561 रुपया। ब्याज हमको दिया है 561 रुपया। तो हमसे टी पूछ रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट में सब कुछ फॉर्मूले में डाल देंगे, 561 इक्वल टू पी की जगह डालेंगे 2200 इंटू रेट की जगह 17/2 इंटू टी अपॉन 100। अब क्या किया जाएगा, टी को पता करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी कि 561 इंटू 100 इंटू टू अपॉन 2200 इंटू 17 इक्वल टू टी। दो जीरो से यहाँ दो जीरो कट गए, ठीक है बेटा, 2 1 जा 2 11 जा। 561 को 11 से काटेंगे, 17 3 जा 51 और 5 17 1 जा 17 3 जा 51 और यहाँ पर जा 5 17 3 जा 11 1 जा 11 3 जा। टाइम इक्वल टू 3 ईयर्स। तो हमारा ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितना धन मतलब कि प्रिंसिपल गायब है। पता क्या करना है? प्रिंसिपल पता करना है। रेट धन 2.5 वर्ष में, मतलब टाइम कितना दिया है, 2 1/2, मतलब यानी कि 4 1 5 5/2 साल दिया है। और रेट 12% दिया है, ठीक है। और यहाँ पे की दर से 1950 रुपया हो जाएगा, मतलब यहाँ पे मिश्र धन दिया गया है, मतलब यहाँ पे अमाउंट दिया है 1950 रुपया, ठीक है। ये वो क्वेश्चन है जिसमें अमाउंट दिया रहता है, तो हम लोग को प्रिंसिपल पता करना होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन जब भी मिश्र धन दिया होता है तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं मूलधन पता करने के लिए, अमाउंट इंटू 100 अपॉन 100 प्लस इंटू प्लस आर इंटू टी। तो इसमें भी फॉर्मूले में पुट कर दिया जाएगा सबकी वैल्यू, यानी कि अमाउंट की जगह 1950 डालेंगे इंटू 100 अपॉन नीचे करेंगे 100 प्लस आर इंटू टी, मतलब कि आर की वैल्यू कितनी है 5/2 इंटू टी की वैल्यू कितनी है, सॉरी बेटा, आर की वैल्यू है 12% इंटू टी की वैल्यू है 5/2। 2 1 जा 2 6 जा, यहाँ हम लोग और शॉर्ट करेंगे, 5 6 जा 30, यानी कि यहाँ पे आ गया 100 प्लस 30। यहाँ आगे किया जाएगा 1950 इंटू 100 अपॉन 130, ठीक है बेटा। आगे क्या किया जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 13 1 जा 13 यहाँ 6 गया 13 5 जा 65, यानी कि 15 इंटू 100, यानी 1500 हमारा आंसर हुआ। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की जगह हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू डाल देंगे और पी की जगह कुछ नहीं पता हमको करना ही है। रेट की जगह हम लोग डाल देंगे 6% डाल देंगे और टाइम की जगह डालेंगे 9/2 इंटू 100। अब हम लोग को क्या करना है, पी को पता करना है, तो पी की जगह पता करना है 1620 इंटू 100 इंटू 2 अपॉन नीचे आ गया 6 इंटू 9। यहाँ पे कटेगा 2 1 जा 2 3 जा 9 1 जा 9 180 जा 3 1 जा 3 60 जा, ठीक है। आगे की बात है, पी को 60 इंटू 100, यानी कि 6000 रुपीस आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसमें फॉर्मूले याद करना पड़ेगा कि यदि कोई मूलधन किसी सरल ब्याज दर से 3 वर्ष में 1229 रुपया हो जाता है एवं 7 वर्ष में 1491 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर एवं मूलधन ज्ञात कीजिए। मतलब कि यहाँ पे A1 अमाउंट 1 कितना दिया है 1239 रुपया और A2 कितना दिया है 1491 रुपया, ठीक है। और T1 कितना दिया है 3 वर्ष और T2 दिया है 7 वर्ष। फॉर्मूले में हम डालेंगे क्योंकि हमको पूछ रहा है रेट और टाइम पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो रेट के लिए फॉर्मूला हमको पता ही है, A2 - A1 मतलब कि 1491 - 1239 और
नीचे फॉर्मूला A1 की वैल्यू डालेंगे 1239 इंटू T2 की वैल्यू 7 माइनस A2 की वैल्यू डालेंगे हम लोग 1491 गुणे 3 इंटू 100। ये फॉर्मूले में हम लोग आंसर को रखेंगे, पुट करेंगे R इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, उसके बाद फिर आएगा इसको माइनस करने के बाद 252 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4200। जीरो से जीरो कट जाएगा, 42 1 जा 42 6 जा, यानी कि R की वैल्यू हमारी आ गई 6%। अगले क्वेश्चन यानी कि P की वैल्यू को पता करना है, तो P की वैल्यू में भी हम लोग फॉर्मूले को पुट करेंगे A1 into T2, मतलब यहाँ के क्या करना है हमको, माइनस A2 माइनस T1, यानी कि ऊपर आ गया 4200 जो हमने निकाल दिया था अभी थोड़ी देर पहले ही, ठीक है। और अपॉन T2 माइनस T1 मतलब कि 7 माइनस 3, यानी कि 4200 अपॉन 4, ठीक है बेटा। इसको जब काटेंगे तो आ जाएगा 2 2100, और फिर कटेगा ये आ जाएगा 10 50, ठीक है बेटा। प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई 1050 रुपीस। ये फॉर्मूला हमारा इम्प्लीमेंट होगा ऐसे क्वेश्चन में। सिंपल इंटरेस्ट के अगले क्वेश्चंस अगले पार्ट में बताया जाएगा, जब तक के लिए हमारे चैनल